वेलकम बैक स्टूडेंट। एक बार फिर से देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बताना है गिव एन एग्जांपल ऑफ रिलेशन व्हिच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। हमें एक ऐसा एग्जांपल देना है जो सिमेट्रिक हो पर रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं हो। तो सिंपल है, हमने मान लिया है 1 2 2 1, तो सिमेट्रिक तो है लेकिन ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा क्योंकि इसमें 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा क्योंकि दो ही एलिमेंट है, तीसरा है ही नहीं, तो इसलिए ट्रांजिटिव नहीं होगा। नेक्स्ट है दूसरा, एक ऐसा रिलेशन बताना है जो कि ट्रांजिटिव है लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। तो हमने एक एग्जांपल लिया 1 2 2 3 1 3, 1 2 2 3 1 3, तो ये तो ट्रांजिटिव दिख रहा है, 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, 1 2 है, 2 1 नहीं है, 2 3 है, 3 2 नहीं है, 1 3 है, 3 1 नहीं है, तो इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो ये एग्जांपल दे सकते हैं या आप अपने से भी सोच के कोई दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं। थर्ड में है कि ऐसा रिलेशन बताना है जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांजिटिव नहीं हो। मीन्स रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दिया है 1 1 2 2 3 3, 1 2 2 1 2 3 3 2। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, दैट मीन्स दिस इज रिफ्लेक्सिव। फिर हम लोग देख सकते हैं कि 1 2 है, 2 1 भी है, तो इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिक भी है। और फिर हम देख सकते हैं कि 1 2 है, 1 2 2 3 है लेकिन 1 और 3 नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। फिर फोर्थ नंबर में देखते हैं, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए लेकिन सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो फिर से ये एग्जांपल हमने लिख के रखा है, देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 रिफ्लेक्सिव हो गया, 1 2 2 3 1 3 ये ट्रांजिटिव हो गया इससे, लेकिन 1 2 है, 2 1 नहीं है, 2 3 है, 3 2 नहीं है, 1 3 है, 3 1 नहीं है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। अब फिफ्थ नंबर में आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इसका आंसर क्या होगा, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। तो आप खुद से इसका और भी दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन गिवन बाय आर इज इक्वल टू पी क्यू। पी क्यू दो पॉइंट्स हैं और रिलेशन क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। ये रिलेशन है और इसे हमें क्या करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है। तो रिलेशन को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू पी क्यू सच दैट ओपी इज इक्वल टू ओके। कैसे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने ये ओरिजिन लिया और इसमें एक पॉइंट पी कंसीडर किया, दूसरा पॉइंट क्यू कंसीडर किया और रिलेशन में क्या दिया हुआ कि ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू है, इसको हमने ओरिजिन ले लिया। तो ये हमारा रिलेशन है और इसे हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमें पहले रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना पड़ेगा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग ले सकते हैं, क्यू को पी से रिप्लेस करते हैं, तो फॉर रिफ्लेक्सिव
यहाँ पे हम देख रहे हैं पीपी बिलोंग्स टू आर बिकॉज बिकॉज ओपी इज इक्वल टू ओपी मीन्स रिफ्लेक्सिव है, दिस इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक प्रूफ करते हैं, फॉर सिमेट्रिक पी क्यू बिलोंग्स टू आर ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू गिवन है। इफ क्यू पी बिलोंग्स टू आर देन ओ क्यू इज इक्वल टू ओपी, ये भी सही होगा। ओपी ओ क्यू के इक्वल है तो ओ क्यू भी ओपी के इक्वल होगा। इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है, सिमेट्रिक है। रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव देखते हैं, फॉर ट्रांजिटिव मान लेते हैं कोई तीसरा पॉइंट लेते हैं आर, और यहां पे देख सकते हैं कि ओपी ओ क्यू के इक्वल है, ओ क्यू मान लेते हैं ओ आर के इक्वल है तो ओपी ओ आर के इक्वल होगा। ओपी ओ क्यू के इक्वल है, ओ क्यू मान लेते हैं ओ आर के इक्वल है तो ओपी और ओ आर भी इक्वल होगा। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि पी क्यू बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू। लेट क्यू आर, आर को यहां से हटा देते हैं, यहां पे हम लोग क्या लेते हैं एल ले लेते हैं, एक कोई दूसरा पॉइंट लेते हैं, तो आर से क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन होगा। तो क्यू एन बिलोंग्स टू आर बिकॉज ओ क्यू इज इक्वल टू ओ एन। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ एन, देन ओपी इज इक्वल टू ओ एन होगा। तो हियर वी कैन से दैट ओपी इज इक्वल टू ओ एन, दैट मीन्स पी एन बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन, ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अब सेकेंड पार्ट में बोल रहा है फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट पी इज नॉट इक्वल टू जीरो जीरो, इसको छोड़ के, इज द सर्कल पासिंग थ्रू पी विथ ओरिजिन एज सेंटर। अब सेट ऑफ ऑल पॉइंट, कोई ये पॉइंट ले लेते हैं जो कि ओपी के इक्वल होगा, फिर ये पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट ले लेते हैं, तो सबको मिलाने से हमें क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये हम एग्जांपल में जब इंट्रोडक्शन दिए थे इक्विवेलेंस रिलेशन का, तो वहां पे हमने यहां क्या लिखा था, T1 इज कंग्रुएंट टू T2, यहां पे सिमिलर लिखा हुआ है, और इसको क्या प्रूव करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। मींस दो ट्रायंगल है प्लेन में और दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, तो ये जो रिलेशन है T1 और T2 वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो रिफ्लेक्सिव पहले शो करते हैं, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिलेशन हमारा है T1 T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। तो फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए सिंपली क्या करें, T2 को T1 में कन्वर्ट कर दें, तो T1 बिलोंग्स टू R बिकॉज T1 इज सिमिलर टू T1। एवरी ट्रेंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, कोई भी ट्रेंगल अपने आप का सिमिलर होता है, अपने आप का कंग्रुएंट भी होता है। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो गया। फॉर सिमेट्रिक इफ T1 T2 बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स T1 सिमिलर टू T2, देन
T2, T1 also belongs to R because as T2 similar to T1. जब T1 T2 के सिमिलर है तो T2 भी T1 के सिमिलर होगा, तो इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिक भी प्रूफ हो गया। दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन, दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं, फॉर ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव के लिए हम गिवन है, गिवन T1 T2 बिलोंग्स टू R, दैट मीन्स T1 सिमिलर टू T2। मान लेते हैं लेट T2 T3 बिलोंग्स टू R, दैट मीन्स T2 सिमिलर टू T3। अब यहां पे देख सकते हैं T1 T2 के सिमिलर है और T2 T3 के सिमिलर है, इसका मतलब T1 और T3 भी सिमिलर होगा। देन T1 इज सिमिलर टू T3, दैट मीन्स T1 T3 बिलोंग्स टू R। तो T1 T2 बिलोंग्स टू R, T2 T3 ऑल्सो बिलोंग्स टू R, देन T1 T3 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R, दैट मीन्स ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। और यहां से हम लोग देख सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, दैट मीन्स ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब सेकेंड पार्ट में आते हैं, कंसीडर थ्री राइट एंगल ट्रायंगल्स T1 विद साइज 3, 4, 5। तीन राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मान लीजिए एक ये है, एक ये है और एक ये है। तीन राइट एंगल ट्रायंगल है T1, T2, T3। तो T1, T2, T3 जिसके साइड दिया हुआ है, इसका 3, 4, 5, इसका मान लेते हैं ये 5, 5, 12, 13 और ये हो जाएगा 6, 8, 10। मान लेते हैं ये 3, 4, 5 है, 6, 8, 10 है और ये 5, 12, 13 है। राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो पूछ रहा है कि इसमें व्हिच ट्रायंगल्स अमंग T1, T2 एंड T3 आर रिलेटेड। तो T1, T2 और T3 में कौन सा ट्रायंगल एक दूसरे से रिलेटेड है, क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। और सिमिलर का क्राइटेरिया क्या होता है कि साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए, 5, 2 जा 10, 3, 2 जा 6, 4, 2 जा 8। तो T1 और T3 आर रिलेटेड, T1, T3 आर रिलेटेड। अब हम 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब 13 नंबर पे आते हैं, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स एज आर इज इक्वल टू P1, P2, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है। रिलेशन क्या है, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो इक्विवेलेंस के लिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। हमारा रिलेशन है P1, P2 सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो रिफ्लेक्सिव के लिए, फॉर रिफ्लेक्सिव ये P1 belongs to R, why
बिकॉज पी वन एंड पी वन हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, कोई भी दो पॉलीगन है जिसका जिसमें नंबर ऑफ साइड्स इक्वल है, तो यहां पे दोनों सेम ही पॉलीगन है तो इस रिलेशन में होंगे, इसका मतलब आर इज रिफ्लेक्सिव होगा, आर इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक देखते हैं, फॉर सिमेट्रिक पी वन पी टू बिलोंग्स टू आर, इफ पी वन पी टू बिलोंग्स टू आर देन पी टू पी वन ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, पी वन पी टू हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स देन पी टू पी वन, पी टू एंड पी वन ऑल्सो हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, दैट मीन्स ये आर क्या है, आर इज सिमेट्रिक होगा। अब ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं, फॉर ट्रांजिटिव गिवन है पी वन पी टू बिलोंग्स टू आर, हम मान लेते हैं पी टू पी थ्री भी रिलेशन में है, तो पी वन और पी थ्री रिलेशन में होगा कि नहीं होगा, तो पी वन पी टू हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, पी टू पी थ्री हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, देन पी वन एंड पी थ्री ऑल्सो हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, तो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट पी वन एंड पी थ्री हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, देयरफॉर पी वन पी थ्री belongs to R, that means R is transitive. So, since R is reflexive, symmetric and transitive, therefore R is an equivalence relation. Proof हो गया। आगे का part है, what is the set of all elements in A related to the right triangle T with sides 3, 4 and 5? So, इसका answer होगा set of ऑल द ट्रायंगल टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन एंड आर बी द रिलेशन इन एल, डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू एल वन एल टू सच दैट एल वन पैरेलल टू एल टू सो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन अब आप लोग आसानी से कर सकते हैं, हम लोग इतने क्वेश्चन किए हैं, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, फिर भी हम देखते हैं। तो इक्विवेलेंस प्रूफ करना है तो पहले रिलेशन लिखते हैं एल वन एल टू सच दैट एल वन पैरेलल टू एल टू, तो रिफ्लेक्सिव L2 को L1 से रिप्लेस कर दीजिए तो L1 पैरेलल टू L1, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, दैट मींस R इज रिफ्लेक्सिव। तो फॉर रिफ्लेक्सिव हम कह सकते हैं L1 L1 बिलोंग्स टू R बिकॉज L1 पैरेलल टू L1, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, तो R इज रिफ्लेक्सिव, ये प्रूफ हो गया R इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट सिमेट्रिक देखते हैं, फॉर सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक के लिए यहां पे गिवन है इफ L1 L2 बिलोंग्स टू R देन L2, L1 also belongs to R. Why? Because if L1 is parallel to L2, then L2 is also parallel to L1. दो लाइन
लेकिन देख सकते हैं, मान लीजिए ये एक L1 लाइन है, एक L2 लाइन है, तो L1 L2 के पैरेलल है, तो L2 भी L1 के पैरेलल है, ये कह सकते हैं। तो इसका मतलब है R is symmetric। नेक्स्ट अब हम ट्रांजिटिव देखते हैं। फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए हम देख रहे हैं L1 L2 गिवन है, गिवन L1 L2 बिलोंग्स टू R, दैट मींस L1 पैरेलल टू L2। मान लेते हैं लेट L2 L3 बिलोंग्स टू R, दैट मींस L2 पैरेलल टू L3। अब यहां से देखिए L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो L1 भी L3 के पैरेलल है। फिगर से समझिए इसको, ये मान लीजिए तीन लाइन है, ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है। यहां देखिए L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो L1 L3 के भी पैरेलल होगा, L1 L3 भी आपस में पैरेलल होंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि L1 इज पैरेलल टू L3, दैट मींस L1 इज पैरेलल टू L3, दैट मींस R is L1 L3 belongs to R. So therefore R is transitive. अब नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन में है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x+4। ये लाइन का इक्वेशन है, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन लाइन का इक्वेशन होता है। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू 2x+1 भी रख सकते हैं, y इज इक्वल टू 2x+3 भी रख सकते हैं। ये सारे लाइंस क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। जब ये लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब है कांस्टेंट हम लोग सेट बताना है, तो सेट को हम लोग क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट टर्म को c से रिप्लेस कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू 2x+c इज द सेट, y इज इक्वल टू 2x+c इज द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x+4। तो स्टूडेंट्स अब हम 15 और 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, लेट R बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 गिवन बाय R इज इक्वल टू दिस, चूज द करेक्ट आंसर। इसमें से करेक्ट आंसर आपको चूज करके बताना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 है, लेट R बी द रिलेशन इन द सेट N गिवन बाय R इज इक्वल टू AB, A इज इक्वल टू B-2, B इज ग्रेटर देन 6, चूज द करेक्ट आंसर। तो कौन सा आंसर इसमें से सही है, आप कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें और हमें आंसर दें। और यदि नहीं समझ में आ रहा है तो हम फिर अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ ही हमारा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होता है। थैंक यू।